अच्छी लगी, बढ़िया लगी, जबरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त, इतना गजब का एक्सपीरियंस रहा ना वाकई में फिल्म देखने का। मतलब हालांकि ये दूसरे शो के लोग जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी फिल्म देख के आ चुका हूँ, लेकिन इतना गजब, मैं सेकंड टाइम देखने आया हूँ फिल्म को। सेकंड टाइम देखने का मेरा मेन रीज़न जो था वो यही था कि सलमान शाहरुख का जो साथ में जो एक्शन सीक्वेंस था, और वो शाहरुख खान का जो कैमियो है, और वो दोनों साथ में एक्शन करते हुए नज़र आएंगे, उसी को देखने के रीज़न से मैंने जो है दोबारा इस फिल्म को देखने के लिए डिसाइड किया आऊँगा, वो भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा में ही। ऑब्वियसली बात है, हम जा सकते हैं PVR आईनॉक्स वगैरह में, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो कंफर्ट एक बढ़िया मिल जाता है, अच्छा खासा बढ़िया देख के। लेकिन वो जो माहौल है जो इन दोनों के लिए जो मेनली आ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं और इनको देख रहे हैं दोबारा, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका मज़ा सिर्फ इसी में और इसी बात में है कि आपको जो है ये फिल्म का मज़ा, मतलब इन दोनों को साथ में देख कर जो मज़ा आएगा ना, वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस और एकदम लार्जर देन लाइफ एक्शन करते हुए देख कर, जो कि रियलिस्टिक नहीं है लेकिन बहुत इंटरटेनिंग और बहुत ही गजब है, वो एक्शन सीक्वेंस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, वो यहीं देखने को मिल रहा है सिंगल स्क्रीन में। वो मज़ा आएगा, जो माहौल स्टेडियम जैसा हो रहा है, हालांकि बहुत सी जगह तो बम फटाके फूट रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, उम्मीद तो ये है, लेकिन हालांकि यहाँ पे नहीं हुआ, अच्छी बात ये है, सेफ रहा थोड़ा, लेकिन बहुत गजब जो एक्शन, मतलब जो क्रिएट हो रहा है ना माहौल, वो थिएटर में ही क्रिएट हो रहा है। मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई सिंगल स्क्रीन में ही आके देखना, देख भी रहे हो तो, क्योंकि मज़ा तो आएगा, भली बाद में दोबारा या ऐसे देखने चले जाओ, एक बार देख लिया, लेकिन एक बार सिंगल स्क्रीन सिनेमा में तो ज़रूर जाना, तभी मज़ा आएगा इस फिल्म का। और बिल्कुल मज़ा आने वाला है, मतलब लार्जर देन लाइफ एक्शन देख के और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देख के, इवन कैटरीना कैफ के भी बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस है, तो मज़ा आएगा देख के। और फिर ऋतिक रोशन इनका कैमियो तो फिर एंड में पता चलेगा, वॉर 2 के लिए जो हिंट वगैरह दिया गया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, और कितनी खतरनाक वो फिल्म होगी। लेकिन मज़ा जो है, जो जिसके लिए मेनली सबसे ज़्यादा चर्चित है और फिल्म, और जिसकी वजह से मेनली मैं भी दोबारा देखने के लिए आया हूँ, आमतौर पर फिल्में दोबारा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन सलमान शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस वगैरह है, वो पूरा जो सीन है थोड़ी देर का, वो कुछ एक मिनट का जो सीन है पूरा का पूरा बहुत गजब का है, शुरुआत से लेकर एंड तक वो दोनों साथ में जा रहे हैं वो बग्घी वाली गाड़ी पर, कौन सी शोले वाली गाड़ी पर, वहाँ तक बहुत गजब है, मिस मत करना भाई, मज़ा आ जाएगा।